रोहिणी रोहिणी रोहिणी, कहाँ थी तू? तीन बार मैंने तुझे तीन बार ढूंढा। एक खुशखबरी सुन। मैं जानती हूँ। कमाल है, मैं तो समझता था सिर्फ मेरी बुरी बातों की खबर तुझ तक पहुँचती है, लेकिन आज मुझे पता चल गया मेरी अच्छी बातों की खबर भी तुझ तक पहुँचने लगी है। तेरी भी और बल्लू की भी। बल्लू? हाँ, उसने तो कमाल ही कर दिया। इतने सारे किसानों का कर्जा माफ करवा दिया, और वो भी मेरे बापू से। उसने जो चाल चली है ना, वो तो सिर्फ अक्लमंदी चल सकता है। बल्लू लगता शक्ल से भोला है, पर है बहुत होशियार। मुझे बापू ने कितना समझाया कि ये सब कृष्णा की ही करतूत है, लेकिन मैंने भी ठान कर कहा इसमें कृष्णा का बिल्कुल हाथ नहीं हो सकता। अरे काहे नहीं हो सकता, काहे नहीं हो सकता? इसलिए कि तू तो सीधे वही लड़ पड़ता। ये अक्कल से काम लेके लाठी तोड़े बिना सांप को मारना तेरा काम थोड़े ही है। क्यों? एक बात बताओ रोहिणी, ये चाल हमने चली थी। तूने? हाँ, वो अपना बल्लू है ना, एक नंबर का लल्लू, वो कहा जाने सोचने की बातें। हाँ, इसलिए तूने उसे ये सब सिखाया? हाँ, और नहीं तो क्या। देख बल्लू है ना, वो अपना बड़ा भाई है, उसका ख्याल रखना अपना कर्तव्य है। लेकिन रोहिणी, तीर तो ऐसे निशाने पे बैठा कि पूछ मत। दादा ठाकुर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। क्या कर रही है बदमाश? तो ये सब तेरे लिखी हुई गंगा है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि दूसरों के लंबे में मत पड़ा कर, लेकिन तू है कि माता ही नहीं, अब भाग कर रहा है। अरे रुक जा ना, छोड़ ना, अरे छोड़ ना, छोड़। तू ये सब क्यों करता रहता है? क्यों डांट खाता है मेरी? क्या ये सब मुझे अच्छा लगता है? तेरे बारे में जब बापू से शिकायत सुनती हूँ तो दिल घबरा जाता है। ऐसा लगता है कि तेरी हर एक हरकत के साथ तू मुझसे दूर जा रहा है। अरे ये देखो फिर रोने लग गई। अरे हम तो तेरे वास्ते खुशखबरी लेकर आए थे। जानती है सरकार हमारे इलाके में पार्वती नदी पर बांध बनवा रही है, एक बार रुका बन के तैयार हो जाने दे, फिर हजारों गांव हरे भरे हो जाएंगे, हर किसान साल भर जमीन कसेगा, फिर ना तो कोई किसी को लूटेगा और ना कोई भूखा मरेगा, और ना ही तेरे किसना को जरूरत पड़ेगी किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ने की। नहीं कृष्णा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं तुम जैसे पुलिस से भागे हुए गुनहगार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये क्या कह रही है रोनी? तू जानती है मैं बेकसूर हूँ। तुम गुनहगार हो या बेकसूर, इसका फैसला तो अदालत करेगी। मगर मैं इतना जानती हूँ कि जिस आदमी से मेरा ब्याह होगा वो एक नामचीन होगा। उसका नाम सुनते ही लोग अदब से उठकर खड़े हो जाएंगे। उसका नाम जबान पर लाते वक्त मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। उसके बच्चे पालते हुए मुझे स्वर्ग सुख का आनंद मिलेगा। तुमसे ब्याह करूंगी तो क्या होगा? तुम्हारा तो नाम सुनते ही लोग मुंह फेर लेते हैं। नहीं रोहिणी, 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 मुझे इस तरह छोड़ के मत जा। इस वक्त मुझे तेरी बहुत जरूरत है रे, मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा, मुझे छोड़ के मत जा, मत जा रोहिणी। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। बापू से कहलवाकर तुम पर लगे सारे इल्जाम हटवा दूंगी, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। बोल। आज के बाद तुम ये बंदूक कभी नहीं उठाओगे, किसी और के हक के लिए नहीं लड़ोगे, अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठाओगे, अपने घर में आंखें मूंद कर पड़े रहोगे, भूल जाओगे कि बाहर क्या हो रहा है। नहीं रोहिणी, मैं अपने दिल को मार सकता हूं, अपनी आत्मा को नहीं।
लेकिन वो सब जो तूने शिव माता के मंदिर में कहा था झूठ था। नहीं, सच था। मैं जो चाहती हूँ वो सब क्या तुझमें नहीं है? प्रतापगढ़ से गजोला तक, पूरे भारतपुर जिले के 126 गांव के बच्चे से बूढ़े तक, हर एक को जिसकी पहचान है वो नामची नहीं है? तेरा नाम लेते ही एक तो नहीं हजारों लोग अदब से खड़े हो जाते हैं। और कृष्णा, तेरा नाम सुनकर मेरा सर हमेशा ही गर्व से ऊंचा उठा है। मगर तू तो मेरी हरकतों से हमेशा परेशान रहती थी। तब मैं खुद गर्व सी कृष्णा, तुझे सिर्फ अपना बनाना चाहती थी। मगर उस रात छतरी बागीचे में जब तूने बांध बनाने की खबर दी थी, तब जो चमक तेरी आंखों में देखी थी, बांध के बनते वक्त जो जोश और बाद में किसानों के लिए लड़ते वक्त जो अंगारे तेरी आंखों में मैंने देखे थे, मैं जान गई थी मेरे सपने सिर्फ तेरे सपने से नहीं जुड़े हैं, सैकड़ों हजारों किसानों के सपनों से भी जुड़े हैं। मैं अपना सपना सच करने के लिए उन हजारों सपनों को नहीं तोड़ना चाहती थी। चल, मैं तुझे घर तक छोड़ दूँ। क्या हम ये सपना एक साथ रहकर नहीं देख सकते?